सचिन, देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक 10:30 बजे शुरू हुई है और इस बैठक में विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद हैं और गृह राज्य मंत्री और तमाम अधिकारी और इसके अलावा नीति आयोग के मेंबर होते हैं वो भी मौजूद हैं। और इस बैठक में मंथन किया गया है कि देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, खासतौर से जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे और उनमें जो बेड की संख्या है ये बताई गई है इस बैठक में कि 18 लाख बेड देशभर में अभी कोरोना के लिए हैं, तैयार हैं। हालांकि इसमें अधिकतर जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उसके बाद से अधिकतर बेड तेजी से भर रहे हैं और इसी के साथ ही 1500 से जो हॉस्पिटल हैं वो भी तैयार हैं और आगे कितनी ज़रूरत पड़ सकती है जिस लिहाज से संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स भी इस बैठक में मौजूद हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बात कही है, आपको बता दूं सचिन, इसको लेकर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन आप देखिए 2-3 राज्यों के जिसमें गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लीजिए या कांग्रेस के नेताओं की बात कर लीजिए, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं और राजनीति करते हैं। जहां तक देखिए विदेशों को वैक्सीन भेजे जाने की बात है, जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है कि अपने ही देश के लोगों को पहले वैक्सीन लगाइए फिर बाहर भेजिए, केंद्र सरकार इस मामले में साफ कर चुकी है, विदेश मंत्री भी इस मामले में बोल चुके हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा था। देखिए जो विदेशों को वैक्सीन 7 करोड़ के लगभग जो डोज गई है, मित्र देशों को भी गई है और कई दूसरे देशों को गई है, तकरीबन 80 देशों को भारत ने मदद की है। लेकिन जो भारत का जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है उसको कोई भी देश उससे पीछे नहीं हट सकता, उसी लिहाज से विदेशों को 80 देशों को वैक्सीन भेजी गई है और पड़ोसी देशों को भी भारत ने वादा किया था तो उनको भी मैत्री स्वरूप ये वैक्सीन दी गई है। भारत के भीतर वैक्सीनेशन अभियान रुका नहीं है, इस वजह से नहीं रुका है कि वैक्सीन की कमी है, ये बार बार केंद्र सरकार कह रही है सचिन, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, जो टारगेटेड वर्ग है 45 साल और उससे ऊपर के लोगों को, उनको वैक्सीन हर राज्य में दी जा रही है और अभी पर्याप्त स्टॉक है। इसके बावजूद कि अलग अलग राज्य अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के बयानबाजी पर उन्होंने अभी बोला नहीं है और इस तरह के बयान किसी को देना भी नहीं चाहिए, जिससे जो मकसद है देखिए देश का अभी एक यूनाइट होकर इस महामारी से लड़ना, वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाना और संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कदम उठाना, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता समय पाकर जैसे ही उनको मौका मिलता है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उस पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार बार बार रुख साफ कर चुकी है। अभी जो बैठक चल रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आगे बढ़ाने की जरूरत है उस पर मंथन चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही है इस बैठक में सचिन, कहा है कि लोगों का जो नजरिया है कोरोना बीमारी के प्रति, जो लचीला रुख अपनाया है वो एक महामारी के फैलने का एक कारण बन रहा है। लोगों ने कहीं ना कहीं सोचना छोड़ दिया था कि कोरोना अभी है, उनको लगा कि कोरोना चला गया है, इस कारण से ढिलाई बढ़ती नहीं कि दोबारा जो है बीमारी सर उठा करके और पहले से ज्यादा विकराल रूप में सामने खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।